तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रिकॉर्डिंग। और मैं बोल रहा हूँ कि यार ये तो ट्रैप है, बट क्यों ट्रैप है यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो पहली बात तो नॉर्मल जो मार्केट चलता है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि राइट कभी गिर गया, कभी यहाँ पर पूरा चढ़ गया। नहीं, इट्स अ वेरी अनहेल्दी मार्केट, राइट। इसको कभी भी ये मत समझना कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, आ भी सकती है, बट इट्स अ ट्रैप। बिकॉज फॉरेन मार्केट्स में भी यही चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी ये चल रहा है। एक दिन रिकवरी हो गई, अगले दिन फिर गिर गया, फिर रिकवरी हो गई, राइट। तो इट्स अ ट्रैप मार्केट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों, ठीक है, राइट। एक तो पहली चीज इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रैप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। जैसा मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है। यहां पर कभी भी गिरा, अब शॉर्ट कवरिंग को कैसे पहचाने कि मैं कब मानूंगा कि यह मार्केट तो पूरा रिकवर कर गया। लेकिन उसके लिए ये वीडियो पे 50 लाइक चाहिए, ठीक है, ठोको, लेके आओ यार, अपने दोस्तों को लेके आओ, ठीक है, बराबर। अब यहां पर क्या हुआ कि मार्केट को पहली बार समझते हैं, ठीक है, क्या हुआ, ऑल टाइम हाई, राइट। यहां पर देखो कभी भी क्या होता है, क्या ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, यहां से आया, ठीक है, फिर अचानक से चढ़ गया, फिर अचानक से एक दिन बहुत हैवी सेल ऑफ आया, मतलब यहां से देखो ऑलमोस्ट 17,700 से अचानक से 17,000 पे आ गया, फिर अचानक क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, 16,800-16,900 तक आया, और वहां से 17,000, मतलब 300-400 पॉइंट का इतना वोलेटाइल मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको समझने की बात है कि ये जो लो बनाया है, राइट, ये जो लो बनाया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि हेल्दी मार्केट में क्या होता है कि आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, राइट। पैटर्न क्यों समझना पड़ेगा, अब मैं वो चीज के लिए यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। कभी भी क्या होता है, यहां से आया तो ये ब्रेकआउट पे था, ब्रेकआउट पे क्या हुआ, यहां पर क्या है, सस्टेन करना चाहिए था मार्केट, राइट। ये लेवल पे अगर सस्टेन कर जाता, सस्टेन थोड़ा देर सस्टेन करता ना, 2-4 दिन 5 दिन तो सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वहां से गिर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में सेल ऑफ है, ठीक है। और एक दिन की रिकवरी से मैं ये नहीं मानता कि मार्केट में रिकवरी आती है, और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। एस यूजिंग अ टोटली बेसिस ऑन माय एक्सपीरियंस मैं ये चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, राइट। क्या होता है कि कभी भी याद रखना, ये जो इनडिसीजन वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली इनडिसीजन वाली कैंडल, हमेशा क्या होता है कि जब भी इसका ये जो लो रहता है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, राइट। ये जो इसका लो रहता है ना, जब भी ये ब्रेक होता है इनडिसीजन, इसको कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का जब भी लो ब्रेक होता है तो मार्केट में हैवी सेल ऑफ आता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, इसमें क्या बोलते हैं, बुल ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, ये नीचे वाले पार्ट में क्या है, बियर नीचे खींचने की कोशिश करता है, बट दोनों सस्टेन नहीं कर पाते, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए मार्केट ये जो छोटी बॉडी है ना वो बनाता है, ठीक है। अब समझ में आया यहाँ पे क्यों बनता है, लाइक ठोको। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक किया तो इसका मतलब क्या है, बियर्स हैवी हो गए, ठीक है, बियर्स हैवी हो गए, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज देखना है। अनटिल एंड अनलेस ये जो बुल्स है, यहाँ पर जो हमें ये जो पावर देखने मिली है, राइट, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो हमें क्या है ना, पावर जो है बुल्स की, वो कब देखने मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसके ये जो लो जो ब्रेक किया था ना, ये 17,500 इसके ऊपर, या कम से कम इसके हाफ में, मतलब 17,600 तक नहीं आएगा, तब तक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग मतलब जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन कट नहीं करेंगे, चाहे कोई सा भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, यही बोलेंगे 17,600 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, मतलब मार्केट बुल होगा, यही रीजन है इसकी वजह से, राइट। पसंद आया होगा तो लाइक करना, ठीक है। अब हमारा आ जाते हैं कि कल की स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को ये चीज सिखा दिया। अब हम है कि कल के मार्केट को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, मार्केट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और एज यूजुअल फॉरेन का थोड़ा रेप्लिका देखने मिल रहा है, मार्केट क्या हुआ, अचानक से वापस डाउ जोन्स वापस से नीचे गिरा था, एंड यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, 17,250 ये जो हाई था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 17,250 अगर मार्केट रिकवर करता है तो यही एक रेजिस्टेंस है। बट मैंने आपको क्या बताया कि 17,000 ये वाला 400-500, क्योंकि 600 के ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, बट ये है कि सीधे से मार्केट तो जंप नहीं कर जाएगा, राइट, मार्केट जंप नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न देखने मिलेगा, यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे ऑन जंप। सेल ऑन जंप मतलब क्या है कि अगर मार्केट 17,500 के पास कहीं पे भी मिलता है, राइट, एनी टाइम, राइट, यहाँ पर 17,400 के पास, और अगर कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, राइट, लेट सपोज यहाँ पर खुलता है, तो हमें इमीडिएट पुट की पोजीशन लेनी है, राइट,
मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल व्यू है, आप फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है राइट। यहाँ पे हम मैं गया है ना, एक क्या है ना, पुट इनिशिएट करूंगा, क्योंकि हम ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसकी वजह से क्यों, वो भी इन द मनी बाय का नहीं, मतलब 17,500 की। तो हम क्या करेंगे, 17,400 के आसपास कहीं पे मिलेगा, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे राइट। लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो एज यूजुअल 17,000 एक बहुत अच्छा सा बेस है, और उसके बाद ये जो लास्ट सपोर्ट से जहां से जम पाया वो एक आखिरी सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है राइट, लेट सपोज कि 17,200 के आसपास होता है, तो क्या मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दूंगा? नहीं, एज पर माई एक्सपीरियंस यहाँ पे जब तक 17,600 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाय नहीं, मैं यहाँ पर पुट इनिशिएट, कल मैं ये मार्केट में यही नोटिस करूंगा कि मुझे कहाँ पर पुट इनिशिएट करनी है। तो क्या है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर के बाद यहाँ पर ये ऐसा वोलेटाइल रह सकता है, ठीक है। द मोमेंट अगर मार्केट ने 17,000 का ये जो प्रीवियस 17,100 यहाँ पर नीचे की क्लोजिंग दी, मैं अगेन वापस से पुट इनिशिएट कर दूंगा, क्योंकि हमें एक अनदर डाउनफॉल देखने मिल सकता है। स्टिल द मार्केट मोमेंटम इज डाउनसाइड, एंड कब तक, बजट तक, अंटिल जब तक बजट नहीं आता। तो चलो, निफ्टी बैंक का भी यही एनालिसिस है कि देखो कभी भी ये नहीं होता कि 1,000 पॉइंट गिर गया, 1,000 पॉइंट चढ़ गया, ये बहुत अनहेल्दी मार्केट बोला जाता है, ठीक है। तो सेम एज यूजुअल, जहां से आया वो वहां पे इसका सपोर्ट है राइट, यहां पे आया तो इसका ये रेजिस्टेंस है 37,000 और 38,000 जो इसका इमीडिएट है, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैंने आपको मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया कि वी आर गोइंग फॉर अ पुट साइड। तो अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस कहां पर है राइट। यहां पे देखो, एक 38,000 पे यहां पे हमारा ये है एक रेजिस्टेंस है जो अभी हमने निकाला, और एक ये जो नीचे है, एक ये हमारा, एक ये सपोर्ट है, क्लिक नहीं हुआ राइट, ठीक है। यहां पर ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब एक ये इसको ब्रेक करेगा तो हम सोच सकते हैं बाय करने का, बट लेकिन द मोमेंट अगर मार्केट ऊपर मिलता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी से मेरा ये मतलब है कि अगर मार्केट आपको 37,850 के पास मिले, या तो मैं पॉइंट्स नोट कर लेना, 850 या 900 के आसपास यहाँ कहीं पर भी मिले, इमीजिएट पुट राइट right? कहां तक के लिए, मिनिमम 37,500 के लिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 50 से 100 पॉइंट का ऐसे लेके 300 to 400 points हमें यहाँ पे टारगेट करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा मिनिमम ये टारगेट रहेगा। अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे 37,000 और हमारा ये जो नीचे छोटे छोटे सपोर्ट है वहां पे जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खोलता है, अगर जैसे मार्केट फ्लैट खोलता है, लेट सपोज कि मार्केट यहाँ पर खुलता है 37,500 के आसपास, तो क्या है ना, मैं वेट करूंगा मार्केट का, मेरे को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता, इवन ग्लोबल क्यूज भी अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे हैं इसकी वजह से। तो बियर साइड ज्यादा हैवी है, मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग में ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहूंगा, पुट में मैं ज्यादा लेना चाहूंगा। तो जैसे ही आएगा तो मैं वापस से पुट साइड पे ज्यादा इनिशिएटिव फोकस करूंगा। तो अगर मार्केट इवन गैप अप खुलता है, डाउन खुलता है, लेकिन जैसे ही अगर अप आएगा तो मैं पुट की पोजीशन ज्यादा लेना फेवरेबल करूंगा, क्योंकि क्या होगा, अचानक से बड़ी सी रेड आ सकती है कभी भी, अगर मैं पास्ट में देखने मिला है मुझे इसकी वजह से। और अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन अगर सस्टेन नहीं करता है, देन अगेन से पुट साइड से यहाँ पर हम बने रहेंगे, ठीक है। और विप्रो की बात कर देते हैं, विप्रो में क्या है, लोग काफी पूछ रहे थे कि बाय करना चाहिए। तो ये जो आईटी सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, जितना इसको गिरना था उससे ज़्यादा ही गिर चुका है। अभी क्या है, मार्केट ने क्या है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देखो, ये वाली कैंडल है, ये अगेन डोजी बनाई है, ठीक है, डोजी बनाई है। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या बाय करना है, मैंने अभी आप लोगों को निफ्टी 50 का पार्ट बताया था कि उसमें क्या है कि अगर डोजी का लो ब्रेक होता है राइट, डोजी का लो ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत आती है। तो हमारा क्या है, 550 का SL आएगा और हम लोग क्या है यहाँ से एक बाइंग की पोजिशन यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको किसी को में ऐड करना है तो यहाँ पे एज मेरा एडवाइस है कि आप अगर 1,00,000 रुपीज डालना चाहते हैं फॉर एन एग्जांपल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप 50% अब यहाँ पे अपना पैसा ऐड कर सकते हैं, और इसको ब्रेक होता है तो फिर हम क्या, इसके नीचे वाले जो प्रीवियस सपोर्ट पे है ये वहां तक जाएगा, तो लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अपना 50% पैसा यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं राइट, एंड 25% नेक्स्ट यहाँ पे, एंड 500 के लेवल पे अनदर 25, बिकॉज कंपनी अच्छी है इसकी वजह से यहाँ से। आई डोंट थिंक पर्सनली, लेकिन हो भी सकता है, बट ये यस हमें यहाँ पर बाइंग देखने मिली है, इसलिए यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं विद 600 से। ये पहला टारगेट रहेगा 611 और उसके बाद 630 के ऊपर तक का टारगेट। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, कुछ नया ही सीखने मिला होगा। तो मेक श्योर ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ।
1000 सब्सक्राइबर हमें विद इन नेक्स्ट टू मंथ्स, हमें 400 सब्सक्राइबर चाहिए, तो इसमें आप हम मेरी हेल्प करेंगे और मैं आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन ला के देता रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए ये था आज का वीडियो, थैंक यू।